हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस द मेटल्स ऑफ ग्रुप वन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर आयंस बाय प्रेसिपिटेटिंग देम एज क्लोराइड सॉल्ट्स। अ सॉल्यूशन इनिशियली कंटेन्स Ag+ एंड Pb2+ एट कंसेंट्रेशन ऑफ 0.10 m। एक्वस HCl इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन अंटिल द Cl कंसेंट्रेशन is 0.10 m. What will be the concentration of Ag+ and Pb2+ at B at equilibrium? और KSP हमें दोनों के दिए हुए हैं, HCl के भी और PbCl2 के भी, and we are given four options. We have to select the correct option among these. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम कैसे शो करते हैं, के एस पी से शो करते हैं। और ये क्या बेसिकली होता है, जो आयंस डिसोसिएट होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन होता है उनके, और अगर उनके पास कोई कोएफिशिएंट है तो वो उनके पावर में चले जाते हैं। तो अब बात करते हैं जो ये पहले हमारे पास दिया गया है, दैट इज AgCl। तो AgCl के अगर हम डिसोसिएशन दिखाएं तो इट विल ब्रेक इनटू कैटायन एंड एन, और जो हमारा Ag+ है साथ में हमारे पास Cl- निकलेगा। अगर इक्विलिब्रियम में बात करें इसकी केएसपी की, तो केएसपी इज इक्वल टू Ag का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Cl का कंसंट्रेशन। केएसपी हमें दी थी 1.8 × 10⁻¹¹. Ag की कंसंट्रेशन तो हमें फाइंड करनी है, और Cl- का हमें बोला गया था कि 0.1 तक होगी इसकी कंसंट्रेशन, तो हमें मेंशन की गई है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक साइड ले गए हम Ag+ को, और 1.8 × 10⁻¹⁰ को डिवाइडेड बाय 0.1 से करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी हमारी, दैट विल बी 1.8 × 10⁻¹⁹. तो ये हमारी Ag की कंसंट्रेशन, Ag+ की कंसंट्रेशन आ गई। अब हम निकालेंगे हमारे दूसरे ऑप्शन में जो हमें दिया है, दूसरे सॉल्ट दिया है हमें, दैट इज PbCl2, और ये ब्रेक करेगा हमारे Pb+ और 2Cl- में। इस पे अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहे केएसपी की हमारी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Pb+ मल्टीप्लाइड बाय Cl-, और ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, इसकी ये पावर चली गई, क्योंकि हमने बोला था जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पावर में चले जाता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, केएसपी की हमें वैल्यू दी गई थी 1.7 × 10⁻¹⁵, एंड दिस इज इक्वल टू Pb+, और ये हमारा हो जाएगा 0.1, और ये स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी Pb+2 की आ जाएगी कंसंट्रेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ से हम 1.7 × 10⁻¹⁵ को ले लेंगे डिवाइडेड बाई 0.01, क्योंकि स्क्वायर कर लिया हमने। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 1.7 × 10⁻³ m। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा Pb+2 की कंसंट्रेशन। ऑप्शंस में से मैच करके देख लेते हैं। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि जो Ag+ की कंसंट्रेशन है 1.8 × 10⁻¹⁹, और Pb2+ की है 1.7 × 10⁻¹⁰. So the correct answer for this question will be option number A. I hope you understood it well. Best of luck.